भाई यहाँ से कहीं जाना ही नहीं पड़ा, यहीं पे ऑर्डर बज गया। ऑर्डर दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, देखो 1.1x का सर्ज चल रहा है BTS ऑर्डर। भाई एकदम मस्त है यार, दिखाता हूँ आप सभी को। तो भाई साहब ये है ऑर्डर, देखो ये पनवाड़ी से पिकअप किया है मैंने। अब इसमें क्या हो सकता है, आप सभी गैस करो क्या हो सकता है। भाई इतना छोटा बॉक्स है और पनवाड़ी से लिया है वो भी मैंने, तो आप एक बार बताओ इसमें हो क्या सकता है, फिर मैं बताता हूँ क्या है। लो भाई यहाँ से भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई साहब, 2 मिनट के अंदर ही ऑर्डर आ गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं निकला हूँ 1 बजे, और कल वाला वीडियो एडिट कर रहा था मैं, एडिट करके अपलोड करने के बाद, थंबनेल बनाने के बाद सारा चीज़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं 1 बजे निकला, 1 बजे निकलने के बाद जैसे ही ID ऑनलाइन करा वैसे ही मेरे पास ऑर्डर आ गया। 250 रुपये के आसपास का ऑर्डर है, 250 रुपये का ऑर्डर है, और इसे लेके जाना है RK पुरम, रामाकृष्ण पुरम। और इसमें 49 रुपये के आसपास ना ड्यू भी दिखा रहा है, ड्यू बैलेंस दिखा रहा है 49 रुपये के आसपास। तो चलो देखते हैं, ये लंबा पिकअप आया है, 2 किलोमीटर का पिकअप आया मेरे पास। तो अभी मैं 1.5 किलोमीटर आ गया हूँ, 650 मीटर और बचा हुआ है। ऑर्डर भी दिखा देता हूँ जब तक जाम में फंसा हुआ हूँ। ये टोटल ऑर्डर है भाई, ट्रिप फेयर है 251 रुपये, और जिसमें ऑनलाइन पेमेंट है 25 रुपये, ठीक है। और इसमें कस्टमर का ड्यू बैलेंस है 49 रुपये, 50 रुपये मान लो ड्यू बैलेंस है। तो ये टोटल मुझे कैश कलेक्ट करना है 275 रुपये, 275 रुपये कस्टमर से लेना है। अब भाई आगे पीछे कर लो यार, ये तो लेके बैठ गए, चलो साइड से ही निकालो अपना, आगे भी जगह नहीं दे रखी है साइड से निकालने के लिए भी। चलो यार फटाफट से पिकअप करके दिखाता हूँ आप सभी को। भाई साहब ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, ये कपड़ा है इसमें। भाई इतनी गर्मी में भी कस्टमर राइडर को दोहराता रहता है यार। भाई साहब अभी मैं 2 बार चढ़ा हूँ सेकंड फ्लोर पे, 2 बार उतरा हूँ मान लो। पहले कस्टमर ने बोला इस पे चढ़ जाओ, इस पे गया सेकंड फ्लोर पे, अंदर ऑफिस में बैठा हुआ है, बगल में ही ऑफिस है, जीने के बगल में ही अंदर ऑफिस में बैठा हुआ है, और वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। और ये नहीं कि बाहर बालकनी से निकल के थोड़ा सा देख लूँ कि राइडर है कहाँ पर। पहले इस पे चढ़ा, सेकंड फ्लोर पे देख लिया नहीं है कुछ भी, फिर यहाँ से वहाँ तक गया, और वो जो अंकल आ रहे जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर एक जीना है, फिर उस पर चढ़ा, फिर वहाँ से पिकअप करके लाया हूँ। भाई चैन नहीं होता कस्टमर को भी, ये नहीं कि भाई साहब छोटा सा ही सामान है जाके दे दूं राइडर को बाहर ही, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, लेकिन नहीं, ये तो और दोहराते ही रहते हैं भाई, अंदर एसी में बैठा हुआ है, बाहर निकलेगा कैसे। तो स्टार्ट ट्रिप करता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ आप सभी को, ताज अपार्टमेंट है कोई, वहाँ लेके जाना है, वहाँ भी ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है मुझे। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा भाई, 32 मिनट, सिर्फ सिर्फ 32 मिनट दिखा रहा मेरे भाई। तो चलो, ओ भाई थक गया, दोहरा दिया इसने पूरा, सकुरपुर से ले जा रहा है, कहाँ कहाँ से ले जा रहा है ये। अच्छा सीधा गया भैया धौलाकुआं पार करके, और ये रहा धौलाकुआं पार किया, ये RK पुरम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर है भिकाजी कामा प्लेस मोहम्मदपुर के पास। तो चलो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 32 मिनट लगेगा। भाई बड़ा गुस्सा आता है यार, 2 बार ऊपर नीचे हुआ मैं भाई, पसीना से पूरा भीग गया। ऊपर जैसे ही मैं जाके रुका बस पूरा शर्ट मेरा गीला हो गया, पूरा शर्ट पसीना टपक रहा है। अब AC क्या असर करेगा भाई, अगर हम बाहर इतना धूप में घूम रहे इधर उधर जा रहे हैं, 2 बार ऊपर चढ़ा 2 बार नीचे आया, हैं तुम दोहरा रहे हो भाई, कम से कम नीचे तो आ जाओ यार ऑर्डर देने। नीचे नहीं आ सकते तो कम से कम बाहर ऑफिस से बाहर निकल के बालकनी में आके इंस्ट्रक्शन तो सही से दे दो कि यहाँ पर आना है, इसमें आना है। एक तो तुम्हारा एड्रेस सही नहीं है, इसमें लोकेशन डाल रखा है वो पूरा परफेक्ट है, फिर इसने बोला ये प्लाईवुड वाला है, इसके बगल से जीना है, मैं गया चढ़ गया, फिर कह रहा ये नहीं है ये वाला है, वह बड़ा दिमाग ख़राब किया इसने। चलो अब कर भी क्या सकते हैं, फटाफट से करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। भाई किसी ऑर्डर में शुरुआत में ही दिक्कत आ जाए ना पिकअप करते समय, उसके बाद तो दिक्कत ही दिक्कत होता है। तो यहाँ पर दिया मैंने फर्स्ट फ्लोर पे ऑर्डर, 275 रुपये, 25 रुपये ऑनलाइन पेड था, तो 251 का ऑर्डर था, 49 रुपये वो था
क्या कहते हैं ड्यू था कस्टमर का, तो 275 रुपये कैश लिया यहाँ पे। भाई साहब इतनी गर्मी है, इतना पसीना गिर रहा है, क्या ही बताऊँ, काम करने का बाइक चलाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और यहाँ पे आके भाई 15 मिनट कम से कम रुका, 4-5 बार फ़ोन किया, तब जाके कस्टमर ने फ़ोन उठाया, तब बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे जाके दे दो। बताओ यार, पिकअप में भी दिक्कत आया, ड्रॉप में भी दिक्कत आया। अब देखो यहाँ से ना भिकाजी कामा प्लेस सोमवार है आज, तो हो सकता है वो बंद हो। बाकी एक बार ट्राई करता हूँ मैं, इधर उधर देखता हूँ, पहले छाया में रुकता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, है ना, फिर उसके बाद देखते हैं अपने को कहाँ जाना है। यहाँ नहीं बजेगा तो फिर आर के पूरम भिकाजी कामा प्लेस, वहाँ पर चला जाऊँगा मैं। तो वेट करता हूँ मैं पहले यहाँ पर थोड़ी देर। 200 रुपये का अर्निंग अपना हो चुका है, 2:42 हो गया। अब देखो दिखाता हूँ आप सभी को, जैसे कोई ऑर्डर आता है मेरे पास। भाई यहाँ से कहीं जाना ही नहीं पड़ा, यहीं पे ऑर्डर बज गया। ऑर्डर दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, देखो 1.1x का सर्ज चल रहा है अभी। डियर संतोष, ड्यू टू हाई डिमांड इन योर एरिया एट दिस टाइम यू विल गेट 1.1x फेयर ऑन दिस करेंट ऑर्डर। तो ऑर्डर भाई एकदम मस्त है यार, दिखाता हूँ आप सभी को। 340 रुपये, मान लो 340 रुपये का ऑर्डर है, मैकडी वसंत विहार से पिकअप करना है और लेके जाना है इंदिरापुरम गाजियाबाद, अहिंसा खंड 1। तो एक बार मैं आप सभी को ना पिकअप दिखा देता हूँ, पिकअप शायद लंबा आया होगा। देखो भाई कितना लंबा पिकअप आया, 3.3 किलोमीटर का पिकअप आया। यहाँ से देखें 3.5, यहाँ से 3.4, यहाँ से 3.3। चलते हैं भैया, और ये कहाँ से ले जा रहा है, राव तुलाराम मार्ग। चलते हैं भाई पिकअप करने, 3.3 किलोमीटर का पिकअप आया है, तो जाना तो पड़ेगा ही भैया। चलते हैं और फटाफट से करता हूँ मैं इस ऑर्डर को पिकअप, और दिखाता हूँ आप सभी को क्या सामान होने वाला है इसमें। ऐसे जब बैक टू बैक ऑर्डर बजे ना, बढ़िया बढ़िया ऑर्डर, 350-450 का डिलीवर करते ही, तब मज़ा आता भैया काम करने में। भले ही तू पिकअप 3 किलोमीटर दे दे, 2.5 किलोमीटर दे दे, लेकिन ये भी नहीं है कि 7-7 किलोमीटर पिकअप दे दिया, 8-8 किलोमीटर पिकअप दे दिया, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। जो खाली एरिया है उसमें तो आसान है, 7 किलोमीटर 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाला एरिया, जो जाम वाला एरिया है, वहाँ पे भाई आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर में ही। चलो फटाफट से पिकअप करता है इस ऑर्डर को। तो भाई साहब ये ऑर्डर देखो, ये पनवाड़ी से पिकअप किया है मैंने। अब इसमें क्या हो सकता है, आप सभी गैस करो क्या हो सकता है भाई। इतना छोटा बॉक्स है और पनवाड़ी से लिया है वो भी मैंने, तो आप एक बार बताओ इसमें हो क्या सकता है, फिर मैं बताता हूँ क्या है। ऐसे जब भी पार्सल मिलता है ना, डर तो लगता ही है, लेकिन इसमें वो है फ्लेवर है, वो होता है ना भाई हुक्के का फ्लेवर, वो है इसमें। 340 रुपये का ऑर्डर है, ट्रिप स्टार्ट करता हूँ, तो देख लो। आजकल भाई साहब इलीगल सामान बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। ये कहाँ से ले जा रहा है मुझे, इधर से ले जा रहा है 27 किलोमीटर, यहाँ से 33 किलोमीटर, 30। अब कहाँ गए 27 किलोमीटर वाला रूट, ये है भाई 27 किलोमीटर वाला रूट, 27 किलोमीटर 47 मिनट लग रहा है, तो इसी से चलते हैं यार 27 किलोमीटर वाले रूट से। ये लेकिन लेके कहाँ से जा रहा भाई साहब, जैसे ही बोला ना इसने कि पनवारी से पिकअप करना है, निहाल पान करके स्टोर है यहाँ पे, इससे पिकअप करना है, तो मुझे एक बार को शक हुआ। फिर मैंने कहा चलो यार चल के देखते हैं क्या है, सामान नहीं है तो बॉक्स में दिया पूरा पैक करके, फिर शक हुआ मुझे। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या है इसमें, तो कह रहा भैया हुक्के का फ्लेवर है, ये लेके जाना है। तो मैंने फिर उसे दबा के देखा, हिला के देखा, तो वैसा कुछ नहीं, इलीगल आइटम जैसे होता है वैसा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं था, मुझे लगा नहीं। बाकी मैंने उससे पूछ भी लिया है और बता भी दिया है कि भैया अगर कोई इलीगल आइटम होगा तो फिर देख लेना, नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि मैं तो सारा चीज़ रिकॉर्डिंग वगैरह करके ले जा रहा हूँ। जो राइडर हैं जो रिकॉर्डिंग नहीं करते, कैमरा नहीं रखते, उनके लिए तो भैया सीधा मैं सलाह दूंगा, जहाँ भी आपको ऐसे आइटम लगता है वहाँ पर सीधा पूछो कि भैया सामान क्या है, खोल के दिखाओ, खोल
के नहीं दिखाता, बोलता है कैंसिल करूंगा ऑर्डर। कर दे भाई कैंसिल, पहले फुर्सत में कैंसिल करो ऑर्डर। अगर खोल के दिखाएगा बिना बिल का सामान है तो खोल के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अगर सामान है तो इसका बिल दो। ये होता भाई। और रोड साइड से ज़्यादातर, अगर जैसे मैंने ये दुकान देख रखा है इसका, है ना, आगे चल के अगर कोई दिक्कत हुआ मैं सीधे इसके दुकान पे आ जाऊँगा लेके कि चल भाई, है ना। बाकी जो रोड साइड से होता है, मान लो यहाँ पर आया कोई बंदा स्कूटी से या बाइक से, वो सामान दे गया मुझे, अब उसका ना बिल है ना कुछ है, तो उसको खोल के ज़रूर देखना मेरे भाई, नहीं तो लंबा फंसोगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रूफ दिखाया था। कई लोग उस वीडियो में कह रहे थे कि भाई व्यूज़ लेने के लिए बना दिया, व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बना दिया, तो भाई रुक जाओ थोड़ा सा, एक हफ्ता रुक जाओ बस, एक और वीडियो ऐसे ही आने वाला है जिसमें पूरा आप सभी का जो भी डाउट है ना सारा क्लियर कर दूंगा, कैसे पैकेजिंग में भेजता है, कस्टमर किस हद तक गिर सकता है। ऐसे जो कस्टमर होते हैं ना, जो चोर होते हैं भाई, जो स्मगलर हैं, वो किस हद तक गिर जाते हैं ना स्मगलिंग करने के लिए, वो मैं आप सभी को आने वाले वीडियो बताऊंगा, जो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें बताऊंगा मैं कैसे कैसे पैकेट बना के ये लोग भेजते हैं और किस किस कंपनी में भेजते हैं। बाकी भाई 26 किलोमीटर बचा है और 43 मिनट लगेगा, तो चलो इसको डिलीवर करते हैं फटाफट से इंदिरापुरम में, और फिर वहाँ से तो सेक्टर 63-62 पास में ही है, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। तो भाई साहब दूसरा ऑर्डर भी हो चुका है अपना डिलीवर, ये ऑरेंज काउंटी है, ऑरेंज कंट्री ही दे देना चाहिए, बीच में आर एक और लगा देता। मैं कंफ्यूज था जब पोर्टर में दिखाया, उसमें लिखा हुआ था ऑरेंज काउंटी, तो मुझे लगा क्या ऑरेंज कंट्री होगा, तो यहाँ पर दिया। भाई साहब एक रिंग गया, एक फ़ोन पे एक रिंग गया, कस्टमर ने फ़ोन उठाया और एक मिनट के अंदर आ गया बाहर ही। देखो 339 रुपये मिल गया अपने को, पेटीएम कर दिया कस्टमर ने, तो इस ऑर्डर को करता हूँ डिलीवर, और ये डिलीवर करते ही फिर मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा। ये देखो हैं 193 ही माइनस दिखा रहा है। अच्छा क्या भाई, चलो 193 दिखा रहा है तो। हाँ अब ये आया, देखो वसुंधरा से पिकअप करना है और अहिंसा ग्रीन लेके आना है, पिकअप लंबा है इसका, पिकअप लंबा है भाई। चलो उठा लिया किसी ने, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और साइड में खड़े होते हैं भैया कहीं छाए में, यहीं पे आ गया भाई कस्टमर ने, फटाफट से पेमेंट कर दिया, फटाफट से आ गया। यहाँ कहीं छाया ढूंढ के रुकते हैं, यहाँ थोड़ा सा छाया दिखा, और थोड़ी देर रुकता हूँ मैं यहाँ भी, और उसके बाद देखेंगे भैया कोई ऐसी जगह जहाँ से ऑर्डर बजने की उम्मीद हो, बाकी देखते हैं, अगर पहले तरह ही हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे ही मैं कैमरा बंद करूँ ऐसे ही एक ऑर्डर आ जाए 400-500 का, तो मज़ा आ जाएगा भैया। चलो दिखाता हूँ जैसे ही आता है कोई ऑर्डर। लो भाई यहाँ से भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई साहब, 2 मिनट के अंदर ही ऑर्डर आ गए, ऑर्डर 3-4 ऑर्डर आए भाई लगातार ही। एक आया जो कि गाजियाबाद का था, डुंडा हेरा का, वहाँ का मैंने नहीं उठाया। एक ग्रेटर नोएडा का आया, वो भी मैंने नहीं उठाया। उसके बाद सीधा ये ऑर्डर आया भाई, देख सकते हो इसमें भी 1.1x का सर्ज लगा हुआ है, और ये ऑर्डर है भाई 263 रुपये का, इसको ले के जाना है लाला लाजपत राय रोड कैलाश कॉलोनी ग्रेटर कैलाश। भाई 263 रुपये का ऑर्डर है, पिकअप देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को। भाई साहब मज़ा आ रहा है आज काम करने में, 1.1 किलोमीटर का पिकअप है सिर्फ, देखो काला पत्थर रोड से ये आगे की तरफ से ही पिकअप है, ये मैं पीछे के साइड हूँ, उस साइड जाना है जो मेन रोड है ना उधर के साइड। भाई साहब ऐसे ही ऑर्डर अगर ऑर्डर देते रहे ना मज़ा आ जाएगा। दूसरा ऑर्डर भी ऐसे ही दिया और ये तीसरा ऑर्डर भी ऐसे ही आ गया, जैसे ही डिलीवर कर रहे हैं भाई साहब बजाए जा रहा ऑर्डर, तू बजाते जा भाई, हम ऑर्डर करते जाएंगे ऐसे ही, बस बढ़िया बढ़िया ऑर्डर बजा दे जो ले सके। जैसे अभी यहाँ से ग्रेटर नोएडा बजाए 300 रुपये का था, 63 रुपये का, वो मैंने नहीं उठाया है ना, और ये ग्रेटर कैलाश आ गया 263 रुपये का, तो ये मैंने उठा लिया। भाई साहब 100 रुपये कम का ऑर्डर है, लेकिन ये है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से मिलेगा। तो भाई साहब ऑर्डर पिकअप कर लिया, इसमें भी कपड़े ही हैं, और ये पानी की बोतल रखता हूँ, और यहाँ करते हैं चैन बंद। बोलिए थोड़ा सा आराम से ले जाना, आराम से ही जाएगा भैया हमारे तो, जब ये
टावर वगैरह से जो पिकअप आते हैं ना, बड़ा दिमाग ख़राब करता है। 11th फ्लोर से पिकअप किया हूँ, 4 बजे ऑर्डर आया था, 20 मिनट लग गए भैया। ट्रिप स्टार्ट कर दिया मैंने, 263 रुपये का ऑर्डर है। डिस्टेंस दिखा देता हूँ आप सभी को, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, 20 किलोमीटर का दिखा रहा है भाई साहब डिस्टेंस। और यही है टावर में, 2-3 जगह एंट्री करो, 15-20 मिनट तो खा ही जाता है, 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं भैया, आधा घंटा भी लग जाता है अगर पे भीड़ हो ना एंट्री करने वाले गेट पे, तो भाई साहब आधा घंटा भी लग जाए। यही है, 2-3 जगह एंट्री करना पड़ता है, फिर वास्तु 1 ढूंढो, वास्तु 2, ओसमो, ये देखो कैसे कैसे बिल्डिंग के नाम है। ओसमो 1 मैं गया था, वास्तु 1 में 11th फ्लोर पर गया था पूरा घूम के। अब ये मुझे पूरा घूम के जाना निकलना पड़ेगा फिर बाहर, 20 किलोमीटर दिखा रहा भाई साहब, आधा घंटा मैं पहुंच जाऊंगा इस ऑर्डर को लेके। और आज फ्री है भाई रोड, ज़्यादातर भीड़ नहीं है उस हिसाब से जैसे बाकी दिन होता था ना, नहीं तो इस ऑर्डर में भाई साहब कम से कम तो 1.5 घंटा लग जाता, 1.5 घंटा 1 घंटा लगता। 5 बजे के आसपास अपना ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा नोएडा से बाहर, है ना। बाकी भाई मज़ा आ रहा है आज, अगर ऐसे ही ऑर्डर दे देना वहाँ भी जाके और एक बजा दे ऑर्डर पीतमपुरा या फिर जनकपुरी उरकपुरी साइड का, जनकपुरी द्वारका साइड का, तो मज़ा ही आ जाए भैया बस। लेकिन देखते हैं बजाता है या नहीं भाई। ये ऑर्डर भी हो गया डिलीवर, पेमेंट आ गया और 5:08 हो गए, कर देता हूँ उससे डिलीवर मार्क। और ये लो अब हो गया सस्पेंड, क्योंकि अभी इसमें डालने हैं भैया पैसे। 482 रुपये अर्निंग हो गया, 245.71 रुपये माइनस है। और ये देखने में ऐसा लग रहा भाई 68,000 क्या है ये, 1,10,000 68,246 रुपये की अर्निंग, पॉइंट लगा हुआ है भाई बीच में। चलो फटाफट से इसे मैं रिचार्ज करता हूँ, है ना। देखो करते ही सस्पेंड, तो फटाफट से एक बार मैं इसका जो ड्यू है वो क्लियर कर देता हूँ पूरा। आज पहली बार में ही पेटीएम का ऑप्शन दे दिया, वाह भैया वाह, अपडेट हुआ तो है पोर्टर। जो भी इस ऑर्डर में आए थे पैसे वो सारा मैंने दे दिया भैया पोर्टर को, 263 रुपये लिया था और 245 रुपये कर दिया इसे। अब देखो फटाफट से मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट अब एक्टिव है, अब आप ऑर्डर ले सकते हो। तो भैया 5 बज गए, अब यहाँ से देखता हूँ, नेहरू प्लेस पास में ही है, 1 किलोमीटर है यहाँ से नेहरू प्लेस। देखो ये रहा नेहरू प्लेस, यहाँ मैं हूँ, ये रहा नेहरू प्लेस, 1 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, अगर नहीं आया तो फिर निकल जाऊँगा मैं सीधा नेहरू प्लेस और फिर दिखाऊँगा आप सभी को एक बढ़िया सा ऑर्डर उठा के। तो भाई GK में आधा घंटा वेट करने के बाद जब वहाँ से कोई ऑर्डर मुझे अपने साइड का नहीं मिला, तो वहाँ से मैं चला गया नेहरू प्लेस मोदी टावर के पास, और वहाँ से फिर एक ऑर्डर बजा 270 रुपये का जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। तो वो ऑर्डर मैं डिलीवर करने के बाद और वहाँ से मैं सीधा आ गया घर खाली, 10 किलोमीटर के आसपास, 9-10 किलोमीटर के आसपास मैं घर आ गया खाली। तो 4 ट्रिप मैंने टोटल कंप्लीट करा और चारों ट्रिप का टोटल अर्निंग बताओ तो 900 रुपये का टोटल अर्निंग हुआ मेरा 4 ट्रिप कंप्लीट करके। और 900 रुपये में से अगर मैं पेट्रोल हटाऊं तो 150 रुपये का पेट्रोल हटा, तो ज़्यादा लगा नहीं है, 150 रुपये के आसपास का पेट्रोल लगा है। तो उतना हटाने के बाद 7.5 घंटे में 750 रुपये अर्निंग मेरा बचता है पेट्रोल और कमीशन काटने के बाद। तो ये टोटल अर्निंग था भाई, बैक टू बैक ऑर्डर, तीनों ऑर्डर मुझे लगातार ही मिले। लेकिन जो एक ऑर्डर था लास्ट वाला, उसमें मतलब ये समझ लो 1 घंटा बाद वो ऑर्डर मिला मुझे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो भी इलीगल आइटम्स जो होते हैं ना वो जाते हैं, कस्टमर कैसे भेजता है, कहां से भेजता है, कैसे पता करे कि उसमें वही आइटम है, और हम रिस्क लेने से कैसे बचे भाई, है ना। नहीं तो भाई अगर आपको नहीं पता हो उसमें क्या है, आप लिए और ले जा रहे हो तो कुछ पता नहीं है रास्ते में क्या हो क्या नहीं हो, और अगर एक बार फंस गए तो भाई निकलना उसमें से बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये पूरा डिटेल में A to Z मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आपके पास कोई पार्सल आए कैसे पता करें कि वो फेक है, इलीगल आइटम है उसमें, या फिर सही है वो, अगर आप ले भी जाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पर पकड़ लिया, शक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या करना है, आप सभी को पूरा मैं
बताऊंगा उस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो भाई मिलते हैं अब अगली वीडियो में।